हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोनफिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने एक आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे फ़ोनों में चेक देखे होंगे, एमआई के ज़्यादातर फ़ोनों में देखे होंगे कि एक प्रॉब्लम आता है, आपको एक पेंगुइन लोगो दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप फ़ोन ऑन करते हैं और उसके अंदर ऑन होते ही यहाँ पे बीच में सेंटर में एक पेंगुइन का लोगो आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, क्या कंडीशन में आता है, क्या रीज़न है और आपका इसके अंदर काम करना कैसे है। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि एक एमआई का फ़ोन है और ये प्रॉब्लम इसमें ऐसा हो रहा है कि कभी लोगो आ रहा है पेंगुइन का, कभी ऑटो पोट बना रहा है, कभी कभी तो पूरा ऑन भी हो जाता है। मतलब कभी कभी तो पूरा ऑन भी हो जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी, या कभी लोगो पे आके पेंगुइन का लोगो आ जाएगा, या फिर अभी तो ये ऑटो पोट बना रहा है। तो ये जब मेरे पास फ़ोन आया था तब मैंने इसका थोड़ी देर पहले फ़ोटो निकाला था एक फ़ोन से, मैं आप दिखा सकता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये फोटो मैंने इसका निकाल के रखा है, तो ये इस तरह से पेंगुइन का लोगो आ रहा था, आप देख सकते हैं। और ये वही फ़ोन है मेरे पास, देख सकते हैं अब ये एमआई का, तो ये इसका लोगो आया था, तो अभी ये लोगो नहीं आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके पास भी आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इसमें लाइव बनाएंगे और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए हमें पूरा फ़ोन खोलना होगा और इसके अंदर जो ईएमसी होती है हमें उसको ईएमसी निकालनी होगी, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में अगर फ्लैश करते हैं तो वो फ्लैश नहीं होगा, अगर हो भी जाए तो वो फेक फ्लैश होगा और आपका सेम है प्रॉब्लम जो है वो सेम वही रहने वाला है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से नहीं जाएगा, आपका पेंगुइन लोगो का प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से नहीं जाएगा। इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो आपकी ईएमसी अगर डैमेज हो गई है, अगर ईएमसी डेड हो गई है उस कंडीशन में भी लोगो आता है, या फिर अगर ईएमसी हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, ईएमसी हेल्थ कंडीशन में पड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमने इसका एमएमसी नहीं निकाला है, तो हम यहाँ पे लाइव निकाल के देखते हैं कि ये एमएमसी डेड है या इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम है या जो भी कंडीशन है, हम इसको चेक करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। तो चले आते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसका पैनल, इसका बोर्ड निकालेंगे सबसे पहले बाहर हम, ठीक है। और इसका बैक साइड से स्ट्रिप भी निकालेंगे जो चार्जिंग स्ट्रिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने साइड में रख दिए और आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश बोर्ड है, कुछ भी वर्क नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं ना, इसमें एक भी पेस्ट नहीं है, कोई हीट मार के भी नहीं दिया है, मतलब एक नॉर्मल है। और इसके अंदर एमएमसी आप देख सकते हैं एक सैमसंग का बीजीए लगा हुआ है और इसका नंबर आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं एमएमसी का नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सैमसंग की एमएमसी जो नंबर है B614, जो कि ये कुछ 3/32 का एमएमसी है। इसका नंबर देखकर हम जान सकते हैं कि इसका एमएमसी कौन सा होगा, ये 3/32 का लग के है। और सबसे पहले हम इसकी एमएमसी उतारेंगे और निकाल के हम यहाँ पे बॉक्स में चेक करेंगे, योफाई का बॉक्स में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमएमसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये एमएमसी उतार लेंगे, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाओ स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमएमसी है और हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लक्स लगा देते हैं। तो इसकी सबसे पहले एमएमसी हमने निकाल दी है और बहुत अच्छी तरीके से निकली है।
ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले अभी इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छी प्रॉपर बॉल में निकली है, तो हम इसको क्लीन करके बॉक्स में लगा के डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि ये टीएमसी में क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने MMC इसकी क्लीन कर लिया और यहाँ पे हम UFI बॉक्स में लगा के चेक कर लेते हैं, इसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम देख लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अभी IC लगा लिए UFI बॉक्स में और सबसे पहले यहाँ पे टूल ओपन कर लेंगे EMMC टूल बॉक्स और देखते हैं जो हमारी EMMC है, सैमसंग की EMMC थी और इसके अंदर पेंगुइन का लोगो आ रहा था, तो देखेंगे ये EMMC डेड है या इसके अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये टूल ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं, तो उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लॉक स्पीड कम करूँगा क्योंकि कम स्पीड में रखना ज़रूरी होता है। अगर EMMC के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम है तो एक कम स्पीड में काम करने के लिए हमेशा 12 MHz पर रखना ज़रूरी है और हम यहाँ पे आइडेंटिफाई EMMC करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं EMMC यहाँ डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गई है और देख सकते हैं इसमें 32 GB का EMMC लग के है, 32 GB का है। इसके अंदर फॉर्मवेयर वर्जन शो नहीं कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर फाइल इसके अंदर जैसे कि ये ऑटोपोर्ट बना रहा था तो इसके अंदर फॉर्मवेयर शो नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार हम इसके अंदर एक बार हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी पेंगुइन लोगों का तो ये क्या कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्थ यहाँ पे तो नॉर्मल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं SLC MLC के अंदर दोनों में लाइफ टाइम एक्सीडेड हो चुकी है, मतलब 100% कंप्लीट हो गया है हेल्थ के अंदर। यहाँ पे आपको कोई भी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, मतलब ये टोटली फुल हेल्थ रिपेयर हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी है। इसी के वजह से ही हमारा ये प्रॉब्लम आया है जो कि लोगों पे रिस्टार्ट हो जाना, कभी बाई चांस ऑन भी हो जाना, ठीक है, और या ऑटो कोड बना लेना, तो ये सारा चीजें हो रहा था और इसके अंदर फॉर्मवेयर भी शो नहीं कर रहा है। अगर आप इसका फॉर्मवेयर शो नहीं कर रहा है तो अगर आप यहाँ पे यूजर एरिया पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका पार्टीशंस भी शो नहीं कर रहा, जो कि हमारे पिन फाइल्स सिक्योरिटी फाइल्स हमें रीड करना रहता वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है किसी ने अभी इसके मतलब जैसे कि इसके अंदर बार बार रिस्टार्ट होने की वजह से ये पार्टीशन इसका हाइड हो गया है, ठीक है। तो एक बार मैं ट्रिक करके देख सकता हूं इसके अंदर, अगर मुझे पार्टीशन लाना है रिपेयर करने से पहले मैं यहां पे एक बार कोशिश करूंगा कि मेरा IMEI नंबर का फाइल यहां पे आना चाहिए, तो मैं एक बार वो कोशिश करके देखता हूं। अगर वो कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आता है तब हम इसको USB से रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका सिक्योरिटी फाइल का पूरा सीरियल नंबर भी है हमारे पास। तो पहले मैं यहां से कोशिश करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए यह प्रोसेस करने के लिए आपको फैक्ट्री इमेज में आना है और इसके अंदर एक फ्लैश फाइल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्वालकॉम है और क्वालकॉम में हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ये संतुलित रेडमी 4X मॉडल है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे और इसके अंदर जो हमारा फाइल आता है रो प्रोग्राम 0 और पैच 0, तो मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ फाइल को। मैं यहाँ पे रो प्रोग्राम लेके गया और देख सकते हैं यहाँ सारे फाइल्स आ गए और पैच 0 का भी मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मवेयर यहाँ पे आ गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे पूरा फ्लैश नहीं करना है, सिर्फ एक दो पार्टीशंस को राइट करनी है। मैं बाकी को सारे को अनटिक कर देता हूं एक GPT में और एक लास्ट में नीचे आएगा आपको इसमें GPT बैकअप शो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार मेन GPT को ही मैं एक बार राइट करके देखता हूं क्या ये राइट करने से मेरा सिक्योरिटी पार्टीशंस आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तब हमें इसको पूरा एक EMMC चेंज वाला प्रोसेस वाला काम करना पड़ेगा। मैं एक बार ये फाइल को राइट करके देखता हूं, ट्राई करके देखेंगे। तो जैसे कि ये राइट तो हो गया है लेकिन यहाँ पे एक एरर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये एरर आने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर आइडेंटिफाई करके देखते हैं।
तो इसके अंदर पार्टीशंस वगैरह नहीं आ रहा है, हमें इसको पूरा नया प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर हम कोई भी चीज बैकअप नहीं कर सकते, ना सिक्योरिटी बैकअप कर सकते, ना डंप फाइल बैकअप कर सकते। तो अब इसको रिपेयर डायरेक्टली हमें करना पड़ेगा। अब ये सैमसंग का ईएमएमसी है, तो सैमसंग का ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर आप नहीं कर सकते, ये तो अभी को पता होगा सभी को। मैं एक बार फिर दिखाता हूं एक बार हेल्थ, तो आप देख सकते हैं ये तो सैमसंग का ईएमएमसी है, ठीक है, सैमसंग का ईएमएमसी है और हेल्थ रिपेयर इसको पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाऊंगा। ईएमएमसी पार्टीशन में आते हैं और हम यहाँ पे सबको टिक लगा के इसको राइट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम हेल्थ रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सैमसंग का ईएमएमसी है, ये रिपेयर नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा प्रोसेस ये होता है कि इसकी आरपी भी क्लीन करें। सैमसंग की जब हम आरपी भी क्लीन करते हैं तब क्या होता है, इसका हेल्थ रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन अब आरपीएम भी जब क्लीन करते हैं तो एक जो की होती है सीपीयू से कनेक्टेड, वो की डिलीट हो जाती है और आपका डायरेक्टली अगर ईएमएमसी लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा, नॉर्मली तरीके से ऑन नहीं होगा। वहां पे हमें ईएमएमसी चेंज प्रोसेस करनी पड़ेगी, स्पेशल फाइल डालने पड़ेगी, ईएमएमसी चेंज का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें एक तरीका है कि हमें इसको एक ईएमएमसी चेंज वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका क्लीन करता हूँ आरपीएम। तो आरपीएम भी क्लीन आप देख सकते हैं, ये प्रोविजन काउंटर आप सभी को पता होगा, ये काउंटर मतलब इसके अंदर अभी आरपीएम भी अवेलेबल है। जब मैं इसको क्लीन करूंगा तो यहाँ ऑथेंटिकेशन नॉट एट प्रोग्राम करके इस तरह से मैसेज आएगा। तो चलो हम करते हैं, सबसे पहले तो मैं ईएमएमसी को फैक्ट्री रिसेट कर लेता हूँ, पहले तो इरेज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट्री रिसेट में भी एरर आ रहा है, क्यों ये एरर नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, क्योंकि हेल्थ इतनी खत्म हो चुकी है कि उसको ना पार्टीशन रिपेयर कर सकते हैं ना इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसके अंदर सीधा कर लेंगे वन क्लिक में आरपीएम भी क्लिक, तो ये स्पेशल टास्क में आएंगे और सेकेंड वाला जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इसको मैं कर लेता हूँ क्लिक। तो एक बार देखते हैं आरपीएम भी क्लीन करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी फैक्ट्री रिसेट करने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर आपकी जो एफएफयू फाइल होती है वो रीड करता है, उसके बाद रीड करने के बाद उसको राइट करेगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम दे रहा है वेट करने के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो कुछ करना नहीं है, टास्क को बंद नहीं करना है, ना मिनिमाइज करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फाइल को रीड करके रख लिया ऑटोमेटिक और ये राइटिंग भी कर रहा है, तो ये पूरा खुद से ही कर रहा है वन क्लिक में। ये जो अपडेट आया था जो यूएफआई के अंदर, ये हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है, वन क्लिक में आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1-2 मिनट का टाइम लगता है, जब तक यहाँ पे डन वगैरह लिखकर नहीं आएगा, प्रोग्रामिंग सीआईडी डन लिखकर नहीं आएगा, जब तक हमें वेट करना है। कुछ भी हमें यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है, कोई टैब को यूज नहीं करना, ना इसको मिनिमाइज करना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है ये प्रोसेस में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, कभी कभी बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे फेल आ जाता है और ईएमएमसी डेड हो जाती है, तो आपको ये फाइल को चेंज करके फिर से राइट करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोग्रामिंग सीआईडी डन बोल के आ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डन आ चुका है। एक बार फिर वापस से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और हेल्थ भी हम चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन नॉट येट प्रोग्राम अभी ये लिखकर आ चुका है, जो कि पहले मैं आपको बताया था प्रोविजन काउंटर बोल के आ रहा था। तो एक बार हेल्थ भी चेक कर लेंगे, जो कि एसएलसी एमएलसी दोनों लाइफ टाइम एक्सीडेड हो गई थी और अब यहां देख सकते हैं एसएलसी एमएलसी के अंदर 0-10% आ चुकी है। मतलब आरपीएम भी क्लीन से करने से आपकी हेल्थ रिपेयर हो जाती है और बाकी ईएमएमसी में जो के हम आरपीएम भी क्लीन नहीं कर सकते तो उन ईएमएमसी के अंदर यहां से हेल्थ रिपेयर होता है, लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस होता है। मतलब वो हेल्थ रिपेयर करने के लिए वन टाइम प्रोसेस है और सैमसंग में आप कितने बार भी कर लो हेल्थ रिपेयर हमेशा होते रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज होती है आरपीएम भी को रिसेट करते रहना पड़ेगा। तो ये दोनों में ऐसे खासियत होती है हर एक ईएमएमसी का, अपने अपना तरीका है काम करने का। तो चलो यहाँ पे तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, एक बार फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके अंदर हमें इंजीनियरिंग राइट करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी रिपेयर करना है। विदाउट सिक्योरिटी में, क्योंकि मैंने इसका बैकअप ही नहीं लिया, ये बैकअप नहीं बता रहा था
अगर बता था तो, अगर यहाँ पे बैकअप आ रहा था तो मैं रीड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे शो कुछ नहीं किया, ना हम बैकअप किए ना कुछ किए, ये पूरा एक इमिप्सी चेंज वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चले हम इसको इमिप्सी चेंज वाला प्रोसेस करते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली इमिप्सी लगा लेता हूँ, मैं यहाँ से फ्लैशिंग नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा यहाँ से, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ फॉर्मवेयर वगैरह फ्लैश करके, लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको यूनिटी के जरिए से फ्लैश करूंगा तो टाइम हमारा बच जाएगा और इजी वर्क भी हो जाएगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में मैं डायरेक्टली इमिप्सी लगा लेता हूँ बोर्ड में और इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो इसका नेक्स्ट काम करेंगे हम, आगे ईएमएमसी निकाल के काम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर लेंगे और यूएमटी लगा लेंगे सबसे पहले हम इसमें। तो यहाँ पे हम यूएमटी का लगा लेते हैं डोंगल, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं यूएमटी का टूल, क्यूसीफायर का टूल ओपन कर लेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा वेट करते हैं, टूल टाइम लगता है ओपन होने में, 10 सेकेंड का टाइम लगता है कभी कभी, तो वेट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टूल ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे फ्लैशर में आते हैं, प्रोग्राम फाइल को दोनों को टिक लगा लेंगे और इसकी इंजीनियरिंग पहले फ्लैश करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो हम इसको रिपेयर करेंगे बाई यूएसबी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इसकी इंजीनियरिंग फाइल होती है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सारे फाइल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ग्यूमी रोम पे मिल जाएंगे, हेलपटैप की वेबसाइट मिल जाएंगे, मतलब जो पेड वाले वेबसाइट है आपको फ्री में भी मिल जाएंगे फ्री वाले पे, लेकिन क्या होता है फ्री में कुछ ना कुछ चेंजेस किया हुआ रहता है, कोई फाइल करप्ट करी हुई रहती है, उसमें आपका प्रॉपर काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको बेस्ट वर्क करना है तो आप पेड वाले टूल से, पेड वाले फाइल से काम किया करें हमेशा। तो जैसे कि इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको फ्लैश बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और चलो यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर लेते हैं यूएसबी से, जो कि ये हमारा ऑटो पोर्ट बना लेगा। तो मैं यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर लिया हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे फोन ऑटो पोर्ट बना लिया और यहाँ पे फ्लैशिंग देखते हैं हमारी स्टार्ट होती है नहीं होती है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ओके आ गया, मतलब इमिप्सी लग गई है, 32 GB यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर लिया और सिस्टम पार्टीशन इज मिसिंग, क्योंकि हमने इसमें ब्लैंक इमिप्सी लगाए थे, हमने फाइल नहीं था इसके लिए अंदर पार्टीशन मिसिंग बता रहा है। और देख सकते हैं अब यहाँ पे हमारी इंजीनियरिंग रोम फ्लैश हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसको राइट होने तक वेट करेंगे और इसके बाद हम इसका करेंगे रिपेयर, सिक्योरिटी रिपेयर, और उसके बाद हम इसकी जो स्पेशल फाइल है devcfg रिप्लेस करके जो हम इमिप्सी चेंज वाली फाइल डालते हैं उसके बाद हम उससे काम करेंगे। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप आप पूरा इस वीडियो में देख सकते हैं कि हम क्या क्या नेक्स्ट कर रहे हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपने देखे थे ये पेंगुइन लोगों के ऊपर आया था, जो कि एमएमसी की डेड नहीं थी, चालू थी, लेकिन इसका पार्टीशन रीड नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये कंडीशन में क्या कर सकते हैं,
फिर हम उसका आरपीएम भी क्लीन किए और ईएमएमसी चेंज वाला प्रोसेस कर रहे हैं और इसका बोर्ड पे इसका सिक्योरिटी रिपेयर आई मीन सीरियल नंबर है तो हम इसको रिपेयर भी कर लेंगे। तो वेट करते हैं पूरा ये प्रोसेस होने तक। यहाँ पे थोड़ा सा हम वीडियो को स्किप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा पॉज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट प्रोसेस चल रही है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्किप किए थे और यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑपरेशन इज फिनिश। तो चलो देखते हैं फोन में क्या रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर इंजीनियरिंग फ्लैश करने के बाद ये फोन ऑन नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक डायरेक्टली डायग्नोस्टिक कोड बना रहा है। आप देख सकते हैं क्वालकॉम एचएसयूएसबी डायग्नोस्टिक 900E का, मतलब जो कि एक अलग टाइप का पोर्ट है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लगा रहा हूँ, ये फोन ऑन नहीं हो रहा है और डायरेक्टली ये 900E का पोर्ट बना रहा है। देख सकते हैं डायग्नोस्टिक वाला कोड बना रहा है, मतलब इसके अंदर हम इंजीनियरिंग फ्लैश कर नहीं सकते और
अब इसका सिक्योरिटी अगर रिपेयर करना है तो इंजीनियरिंग से नहीं करना पड़ेगा, इसको हमें डाइक पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल वाला जो हमारा MIUI वाला जो वर्जन है वो फ्लैश करेंगे हम सबसे पहले और फोन को ऑन करेंगे, उसके बाद हम इसका डाइक पोर्ट इनेबल करेंगे। अगर इंजीनियरिंग से अगर ऑन हो जाता तो ये हमारा डायरेक्टली डाइक पोर्ट बना लेता, लेकिन अभी हम इसको इस तरह से रिपेयर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, एक नॉर्मल वाली फाइल से फ्लैश कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं, जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पे इसकी फाइल रखी है, संतुनी बोल के फाइल, यहाँ पे फ्लैश फाइल ये देख सकते हैं, MIUI 11 की फाइल है। हम डायरेक्टली ये फाइल इसको फ्लैश कर देते हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से डेस्कटॉप, और ये हमारा संतुनी का पार्ट नेम है, तो हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं संतुनी ग्लोबल इमेज 11 वर्जन, तो ये वाली फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम फ्लैश कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये फाइल सेलेक्ट कर लिए, अब मैं इसको ADL मोड में कनेक्ट करना होगा, मुझे टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ADL से हमने कनेक्ट किए इसको, पोर्ट बना लिए और यहाँ पे फ्लैशिंग हो रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा, पहले फ्लैशिंग स्टार्ट होने देंगे। तो जैसे कि आप लोग भी ऐसे तरीके से प्रॉब्लम आएगा, आप इंजीनियरिंग डालेंगे, फोन ऑन नहीं होगा, डायरेक्टली डायग्नोस्टिक का पोर्ट बनाएगा, तो आपको भी ये आपके पास प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको यहाँ पे एक लाइव प्रोसेस मिल रही है कि जो हम कर रहे हैं ये अभी आपके पास प्रॉब्लम आएगी, तो नेक्स्ट करना क्या है, कैसे करना है, ये आपको एक हिंट मिल जाती है करने के लिए, एक वे मिल जाता है कि ये तरीका हमें भी करना चाहिए, क्योंकि आप भी अपनी दुकानों में बैठ के ये काम जब करते हैं तब आप लोग भी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्या होगा, इंजीनियर डालने से हमारा फोन ऑन नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि हमने ही कोई गलती की है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमने तो कुछ भी गलती नहीं की, हमने फाइल डाले थे, सारा कुछ किए थे, लेकिन वो फोन में वो प्रॉब्लम आया कि वो फर्मवेयर से नहीं ऑन हुआ। तो उसके बाद हम उसका दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसके अंदर स्पेशल फाइल डाल के एक फोन को ऑन कर लेंगे, MIUI वर्जन में ऑन कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर एक कोड डालेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट पोर्ट इनेबल हो जाएगा और हम उसको रिपेयर करेंगे उसका सिक्योरिटी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को भी स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2-5 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे वीडियो को स्किप कर लेते। तो जैसे कि हम थोड़ा वीडियो स्किप किए थे और यहाँ पे देखते थोड़ा लास्ट प्रोसेस हो रहा है, और इसके बाद देखेंगे क्या होगा, हमारा फोन में कौन होगा या कुछ और कंडीशन है, या फिर अगर जो हमने EMMC को इसी की EMMC को जो हमने काम किए थे RPM क्लीन करके चालू किए थे, हो सकता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम होगा और नहीं होने के रीजन, फिर भी हम पूरा प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन में हमारा फोन आता है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो इसमें डिवाइस मैनेजर में भी देखते हैं और यहाँ पे कोई टाइप का पोर्ट बना रहा है क्या, देखते हैं, क्वालकॉम का पोर्ट तो हट गया यहाँ से, और ऑटो डाइक पोर्ट बना रहा है क्या देखेंगे, यहाँ पे तो डाइक पोर्ट ऑटो तो नहीं बनाया, एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन में देखता हूँ, आप देख सकते हैं MI का लोगो आ गया है, मतलब ये अभी बैटरी निकली है, मैं एक बार बैटरी लगा देता हूँ, तो आपके सामने ये पूरा लाइव हो रहा है प्रोसेस कि कैसे ये प्रोसेस करना है। मैं यहाँ पे टच का भी पत्ता लगा देता हूँ, स्ट्रिप लगा लेंगे इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 41% बैटरी का परसेंटेज आ चुका है, लेकिन इसके अंदर इंजीनियरिंग डालने से फ़ोन ऑन नहीं होगा, हम इसके अंदर डायरेक्टली जो इसकी फ्लैश फाइल है, स्पेशल वाली फाइल है, वो हमने इसके अंदर राइट कर दिए है, और ऑन करने के देखते हैं एक बार, MI का लोगो आ चुका है, और इसके बाद सेकेंड लोगो आने के बाद इसका मतलब हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। वेट करते हैं सेकेंड लोगो यहाँ नीचे अगर आ गया तो आप देख सकते हैं सेकेंड लोगो भी हमारा आ चुका है।
तो ये पूरा प्रोसेस आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं कि क्या हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किए थे। इंजीनियरिंग में फंस गए थे, इंजीनियरिंग के अंदर उसका सिक्योरिटी राइट करना था, लेकिन वो फ़ोन उसी राइट करने के बाद ऑन नहीं हुआ, डाइक पोर्ट बनाने लग गया। तब हमने उसका जो उसका स्पेशल फाइल था उससे फ्लैश करके इसको अभी ऑन कर दिए। तो अब इसको ऑन होने देंगे, पूरा कंप्लीट होने देंगे, और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं इसके अंदर वीडियो को स्किप करूँगा इसका, क्योंकि इसका सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए हम इसके अंदर शो नहीं करेंगे। और थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वेलकम स्क्रीन आ गई है, और इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस को। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिकर है सिक्योरिटी का जो इसका, यहाँ पे है सीरियल नंबर, और ये सीरियल नंबर हम इसके अंदर इंटर करेंगे, और इसके बाद ही मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा सारा कुछ कैसे हुआ है। तो पहले इसको पूरा बाईपास कर लेंगे स्क्रीन को। तो ये फाइनल हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसमें बेस बैंड और सिक्योरिटी दोनों भी चेक करवाऊंगा कि इसमें है या नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको ऑन होने तक। तो जैसे कि पेंगुइन वाले जो प्रॉब्लम है, पेंगुइन लोगो आता है, तो हर बार आपको ईएमएमसी का ही मतलब जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कभी आपको ईएमएमसी डेड कंडीशन में भी मिलेगा, या बैड सीआईडी डिटेक्टेड बोल के भी आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे अगर बैड सीआईडी दिखाएगा तो ईएमएमसी चेंज करना होगा। अगर आपके पास अगर ईएमएमसी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है, एसके हाइनिक्स का ईएमएमसी है, तो हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, या सैमसंग का जैसा ईएमएमसी इसके अंदर था, और इसके अंदर एक्सीडेंट का प्रॉब्लम आया था हेल्थ रिपेयर का, तो उसके अंदर आरपीएम भी क्लीन करने वाला ऑप्शन और ईएमएमसी चेंज करने वाला ऑप्शन था। तो आपके पास अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, अलग अलग टाइप से आपको फेस करना पड़ेगा कैसे रिपेयर करना है। अगर ईएमएमसी डेड है तो चेंज करना है डायरेक्टली, या एसके हाइनिक्स है तो रिपेयर करना है हेल्थ रिपेयर, या फिर अगर सैमसंग का ही है तो उसको आरपीएम भी क्लीन करके उसी को ईएमएमसी को चेंज प्रोसेस करना है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, एक सोल्यूशन से काम नहीं बनता, अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस बनाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आ गई है पूरी स्क्रीन, और एक बार मैं डायलर में आके देखता हूँ कि इसमें यहाँ पे अनेबल टू गेट आई एम शो कर दिया, और एक बार मैं सेटिंग में बेस बैंड भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको MIUI वर्जन शो कर रहा है, और बेस बैंड यहाँ पे देख सकते हैं अननोन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस बैंड इसके अंदर अननोन शो कर रहा है। तो इसके अंदर QCN फाइल राइट करना होगा, और बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में शो नहीं करूँगा। मैं खाली इतना बता दूंगा कि इसके अंदर जो डायक कोड है, वो कोड जो डालते हैं हम **717717, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कोड। आप ये कोड डाल के ये डायक पोर्ट इनेबल कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डायक पोर्ट इनेबल होगा या नहीं होगा मेरा ये कोड डालने के बाद। तो ये कोड इसमें तो एक्सेप्ट नहीं किया, एक बार दूसरा और एक कोड डाल के देखेंगे, 13491**। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कोड इसमें काम कर रहा है। आपको सिंपली ये एक नंबर वाले पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायक पोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यह हमारे पीसी पे कनेक्ट कर लेंगे। एक बार मैं पीसी पे दिखा देता हूँ ये डायक पोर्ट इनेबल जो हुआ है, आपका पोर्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा, एक बार मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, और आप यहाँ देख सकते हैं मैं क्वालकॉम HS-USB डायग्नोस्टिक 9092 का पोर्ट बना दिया है। इससे हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसका सिक्योरिटी रिपेयर हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हम यहाँ पे हाइड कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे योमती से इसका सिक्योरिटी रिपेयर किया है, ठीक है। इसका प्रोसेस मैंने कैसा किया है बताया नहीं आपको, लेकिन इसी से किया है और मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दोनों सिक्योरिटी यहाँ पे आ चुका है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ये वही फ़ोन है हमारा, जो हमारा जो फ़ोन था जो सिक्योरिटी रिपेयर करने का था, ठीक है। तो इसका आपका फुल प्रोसेस मतलब एक EMMC चेंज प्रोसेस भी हो चुका है और जो पेंगुइन लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। मतलब टोटली हमने इसके अंदर दो तरीके का यूज़ किया है, एक तो पेंगुइन लोगों जो कंडीशन में आया था, एक तो उसको बनाने की कोशिश की है, और साथ में साथ हमारा यहाँ पे जो EMMC चेंजिंग प्रोसेस बोला जाता है वो भी यहाँ पे ये डन हो गया विद ड्यूल IMEI के साथ हो गया है। तो ये पूरा फुल प्रोसेस यहाँ पे हम स्टूडेंट को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, हर एक फाइल के बारे में जानकारी देते हैं, सिक्योरिटी कैसे करते हैं और इसके अंदर ड्यूल सिक्योरिटी, इसके अंदर रजिस्टर कैसा रहता है, हार्डवेयर ID कहाँ होती है, ठीक है। स्पेशल फाइल बनाना सिखाते हैं, मतलब EMMC चेंज फाइल कहाँ से लेना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा फाइल कब डालनी होती है, कौन सा प्रोसेस कब करना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप सारे फोनों में हम अलग अलग मतलब जैसे कि ये Redmi 4 है, इसमें अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्रोसेस होते हैं और सबका अलग अलग प्रोसेस हम यहाँ पे स्टूडेंट को एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सिखाते हैं। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो हो गया हमारा सोल्यूशन डन। तो फ्रेंड्स हमारा ये फुल प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाइयों को ये फुल प्रोसेस उनको मिलने के लिए इजी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।